आगे अंदर दूर बनाने मेरे वाले इस नाम आप ही नहीं बताइए वो वाले माँ का एक बहुत ही अहम सिलसिला हम समाप्त कर रहे हैं और वो उस सिलसिला के अशुभ हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ अहम मसला है एक अहम जरूरत है कि हर शख्स को आज के इस वक्त में जरूरत है इस बात की कि उसे सुकून हासिल हो उसकी जिंदगी में उसे आराम हासिल हो और हर शख्स इसके लिए तरक्की कर रहा है कोशिश कर रहा है लेकिन शायद इसके बावजूद आदमी अपनी उस कोशिश में अपने आप को नाकाम पा रहा हो अपने आप को नामुराद पा रहा हो तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने के वाकया सुकून और खुशहाली कि उसूल और कवायद पर चलने में शरीयत ने इस सिलसिले में हमें क्या रहनुमाई की है कई एक खुतबा जुमा मैंने आपके सामने इस सिलसिले में रखे और हर एक खुतबा जुमा में मैंने आपके सामने वो उसूल और कवायद कोई ना कोई रखा कि जिन पर चलने की सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है जमानत दी है कि अगर कोई शख्स इन चीजों पर आमिल होता है इन पर कारगर होता है तो फिर ऐसी जो महिला हमारे लिए उसकी जिंदगी को सहारा बना बना देगा खुशमान बना देगा तो कौन कौन सी चीजें मुख्तसर जो उससे कम मैंने आपके सामने जिक्र की है वादा अपने दलाई के साथ आपके सामने जो चीजें आ चुकी है आप समाप्त कर लें ध्यान दें कि इस सिलसिले में सबसे पहली जो चीज इस्लाम ने बयान की है कि जिसके जरिए से हम थोड़ा आपको सुकून हासिल हो सकता है हकीकी दिलों को करार हासिल हो सकता है वो है ईमान मुशरिक और काफिर को वाकईतन जो है दिल का कभी सुकून हासिल नहीं बहुत कुछ दुनियावी मादियत उनके पास हासिल हो सकती है लेकिन और हम और आप इस वक्त में भी मुबतला हो सकते हैं उसकी जिंदगी को देख करके किस अंदाज के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं कि कितने खुशहाल हैं लेकिन हकीकत यह है कुरान और सुन्नत के खुसूस इस बात को बतला रहे हैं कि उन्हें आराम नहीं उन्हें सुकून नहीं सुकून अगर चाहिए इस इंसान को इस इब्ने आदम को तो उसके लिए अव्वली शर्त है ईमान अपने रब को पहचानना अपने खालिक को पहचानना उसके बाद और जो दूसरी चीजें हैं उनका जिक्र होता है कि नमाज कि आपकी नमाज पर पाबंद हो नमाज का इंतजाम करने वाला हो नमाजी से अल्लाह तआला ने बहुत सी खैर और बरकत का मतलब दरवाजा किया है और इसी तरह उसके बाद तीसरा उसूल आपके सामने रखा गया था वो कि अल्लाह से आदम करने वाला हो जहां कहीं भी रहे वो अल्लाह से करने वाला हो अल्लाह का खौफ रखने वाला हो कोई भी एक्टिविटी करे कोई भी अमल करे तो उसके दिलो दिमाग में ये बात हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है मैं कर रहा हूं जो ये सही भी है कि नहीं मेरे दीन के मुताबिक है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने रब की नाराजगी बोल ले रहा तो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ उसे शामिल हाल हो और चौथे नंबर पर आपके सामने एक जाबता रखा गया दो बार उस कर दिया जाने अनजाने में इब्न आदम है बशर है इसके बावजूद गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों पर मुकाबला करना उनका इसरार ना हो बल्कि उसको गलती हो जाने के बाद एहसास हो और उस एहसास के बाद दिल उसका जो है शर्मिंदगी महसूस करे और अल्लाह के हुजूर को तौबा और इस्तिगफार करने का एहतमाम करे अल्लाह के सामने रोए एक बजाय माफी मांगे और उसके बाद एक अहम उसूल बतलाया गया आपके सामने दुआ कि आदमी अपने मसाइल के हल के लिए अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह के सामने मांगे अपनी जरूरियात को मांगे अल्लाह से और छठी चीज आपके सामने रखी गई जिक्र किया है कि अल्लाह का जिक्र जो बंदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों को करार करार अता फरमाता है दिलों को सुकून अता करता है पेची ऐसे दिलों से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर करवा देता है आया उनके लिए जब तक तुम गुरु जान लो कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को हकीकी माने में जो सुकून है करार इसी तरह से सातवां उसूल आपके सामने रखा गया शुक्र कि आदमी शुक्र अदा करने वाला हो अल्लाह की नियमतों पर तो अल्लाह का वादा है जो मौजूद नियमत है अगर बंदा शुक्र करता है तो मजीद इजाफा पाता है अल्लाह की तौदा करे वाकई मेदार है अल्लाह तआला उन चीजों की नियमतों की उसके लिए जो है तौफीक दे
چیزیں آپ کے سامنے بادام کے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں, باقی چند اور اصول ہیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے سمیٹنے ہیں, وقت بہت کم ہے, لیکن میں مختصر چونکہ سامنے بیٹھا اور بھی مختلف تقاضے ہیں, رمضان کا مہینہ قریب ہے, تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں مزید جو سعادت مند زندگی کو پانے کے لیے قرآن و سنت میں جو اصول بتلائے ہیں, جو ضابطے بتلائے ہیں, وہ اور کیا انصاف کے علاوہ, تو آٹھواں اہم اصول ہے صبر. صبر یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ایذائیں, جو مسائل, جو پریشانیاں ہم پر اور آپ پر آئی ہوئی ہیں, ان پر ان کے ازالے کے دعا تو کریں اللہ سے, بلا شکر اللہ سے خیر مانگے, اس کا حکم ہے, دعا آپ کے سامنے آ چکا ہے, لیکن اگر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں بس نہیں ہو رہی ہے, وہ مسائل ان سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل پا رہا ہے, تو معاملے کا نہ بچے, مایوسی کے شکار نہ ہو, شک میں شکایت نہ کرے, اللہ کی رحمت تو نہ دوس ہے بلکہ صبر صبر کرے. اللہ رب العالمین نے صابرین سے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے, کیا آیت ہے وہ ہے کچھ نہ کچھ خوف لے کر کے جو تمہیں تمہارے نصیبے کے حساب سے ضرورت کے حساب سے بتاؤ آپ وہی نہیں ملے اس کی اموال مال کی کمی کے ذریعے سے آ رہا ہے, خوب کوشش کر رہے ہو, خوب محنت کر رہے ہو, بڑھنے کی بات نہیں بن پا رہا ہے, ونقش من الاموال یا مال کی بہت تھی پہلے کسی وقت خوب اچھی زندگی گزار رہے تھے, اللہ نے ڈاؤن کر اللہ رب العالمین نے مال کو بڑا لے لیا, جانوں کی کمی کے ذریعے تمہارے عزیز و اقارب کو اٹھا لیں گے, کتنے ایسے لوگ تھے تمہارے عزیز و اقارب میں, تمہارے ریلیٹیوں میں جن پر تمہیں فخر تھا, جن پر تمہیں دلیا تھا, جن پر تمہیں اعتماد تھا کہ ہر مشکل میں یہ ہمارا دایا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا, اس کو اٹھا لیں گے کہ دیکھیں کہ کسی کو واقعی اگر یہ سب کچھ سمجھتا ہے یا مجھ کو سمجھتا ہے, ونفس من الاموال والانفس والثمرات اپنی خوشی کی یہی ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ
भविष्यवाणी बता रहा है, यही वो लोग जो सब्र करने वाले हैं कि जिन पर अल्लाह की रहमत की बरकत बरसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें खुशहाली अता करेगा, जिन्हें सआदत बख्शी अता करेगा, जिन पर जिनके साथ अल्लाह की रहमत है, वो तो जाहिर का हुबुल मुकरम और नसर दुनिया में हर बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सआदत अता करेगा। उस रवि के बाद से भी रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाय का हुबुल मुकरम यही है जो हिदायत याफ्ता है। सही मानों में यही है जो जन्नत के वारिसी है वो हिदायत याफ्ता है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह को बताना है बहुत ही वाज़ह तौर पर हमें ये बात समझा दी कि सब्र की अहमियत क्या है एक मोमिन की जिंदगी में। सब्र है क्या चीज जो है एक मोमिन की जिंदगी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी सलाह करना है, फरमाया मायूसी रुसुल नसबी वला वसल। मुसलमान को कोई भी थकावट कोई भी जिस्मानी परेशानी वला हम भी वला हम कोई भी नजोमन वला अजन वला हम और कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी उसे जो पहुंचती है को चाहिए कि वह अल्लाह ही पर भरोसा करे। एक जगह अल्लाह ने बताया है, फरमाया
ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله قد اعتاد كرتا ہے اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے رب العالمین اپنے امر کو اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے کیسا ہے تمام کیسا یقین خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی سے ہمیں کر کے دیا ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری سے اس میں کہتے ہیں یہ واقعہ آیا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ ساتھی جو ہے چلے جا رہے تھے ایک غزوے کے لیے تو بیچ میں تھک ہار کر کے چونکہ مسافت طے کرنے کی وجہ سے گرمی کا وقت ہوتا ہے سارے ساتھی جو ہے ایک جگہ آرام کرتے ہیں جو جہاں سایہ پاتا ہے وہیں پر وہ جو ہے اپنا کچھ وقت رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنانچہ ایک درخت کے نیچے جو ہے اپنا جو ہے ڈیرا ڈالتے ہیں اور رات کا وقت اپنا ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ تھکے آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نیند لگ جائے نیند کا رنگ ہوتا ہے کہ دشمن جو تاک میں ہوتا ہے پہلے سے روز تاک میں وہ آتا ہے اس نے موقع نہیں مت سمجھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو دیکھا اس نے وہ ہاتھ میں لی اور تلوار پھونک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتا ہے کہتا ہے میں نے اپنا اوڑھا مل لی اے نبی آپ کو مجھ سے اب کیا بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ معلوم کیا ہے سامنے بالکل دشمن تلوار سے پھونکے ہوں نیند سے ہوں گے اللہ سوچیے کیسا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے آدمی ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہے اور ایسی پوزیشن میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو لیکن زبان سے کیا نکلتا ہے اللہ اور کچھ نہیں اللہ وہ دو تین مرتبہ جو اس بات کو دہراتا ہے میں اللہ کا نبی جی آپ کو اس سے کون بچائے گا ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہ مجھے اللہ بچائے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح سے توکل کرنے کا حق ہے فرمایا ڈر جاتا تم کمال توکل تو اللہ تمہیں اس طرح سے روزی دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے کیسے دیتا ہے اللہ پرندوں کو روزی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبور سماسن وہ صبح نکلتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے وہ تواصل ہوتا ہے شام کو اپنے آشیانے میں آتے ہیں اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو گھر پیٹ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو جس طرح سے ان کو کھلاتا ہے ان کو پلاتا ہے بہت زیادہ پریشان ہونے کی سلسلے میں ضرورت نہیں ہے اگر اللہ پر تمہارا یقین پختہ ہے یقین محکم ہے اللہ کا پختہ بھروسہ ہے تو اللہ کی رحمت تمہیں ضرور ہوگی اور اسی طرح سے ایک اہم اصول ہے قناعت کہ جو ہمارے پاس ہے جو اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان پر آدمی جو ہے قناعت کرے دل اس کا مطمئن ہو دل کے اندر بے چینی نہ ہو سامنے پڑوسی کو دیکھا بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے اللہ نے بڑی بڑی ان کے لیے جو ہے فلیٹس اچھے اچھے فلیٹس دیے ہیں کئی کئی بلڈنگیں دی ہیں کئی کئی کاریں دی ہیں بڑے بڑے عہدوں پر پائے ہیں اب لچائیں نہیں ان کو دیکھ کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جو پوزیشن جو حالت آپ کی رکھی ہے اس پر قناعت پسند ہو آپ کا دل مطمئن ہو کہ یا اللہ جو تم نے دیا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور وہ اسے چاہیے کہ اس پر کو دیکھنے کی بجائے وہ اپنے نیچے کی طرف دیکھے وہ دیکھے کہ کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھتا ہے شاید اس حال میں بہت سے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس سے اندر زندگی گزار رہے ہیں کمروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں پورے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پوروں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں آج یہاں سے بھگائے کر وہاں پر جو ہے ٹھکانا ڈال دیا خانہ بدوشی کی زندگیاں گزار رہے وہ قناعت پسند ہو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بات آپ کو اصول بتلایا ہے اصول بتلایا ہے زندگی گزارنے کا حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا کن گرو ادا من ہوا اسفل امین اس کی طرف دیکھو دنیاوی معاملات میں اس کی طرف دیکھو جو تم سے اسفل ہے جو تم سے کم تر ہے ولا تن دعا الى من هو فوق اس کی طرف مت دیکھو تو جو تم سے اوپر ہے دنیا کے اندر ایک سے ایک اللہ نے بنایا کب تک کہاں تک دیکھو اس کا مقابلہ کہاں تک کرو الى من هو فوق اس کی طرف مت دیکھو کہ جو تم سے اوپر ہے فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَصْبِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر ایسا کرو گے اس اصول کو اپناؤ گے تو ممکن ہے تو اللہ کی نعمتوں کی کاٹ کے ناقدری نہیں کرو گے اللہ کی نعمتوں کی جو ہے قدر کرو گے ایسی صورت میں اگر تم اس اصول پر چلو گے تو ہم کو آپ کو چاہیے صرف مال کے تعلق سے نہیں اگر بیماریاں ہیں تو بیماریوں کے تعلق سے بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو تم سے بھی کہیں بڑی بڑی مسائل بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے کینسر جیسے مرض کے اندر مبتلا ہے بڑی بڑی اور جو جانور بیماریوں کے اندر مبتلا ہے
अस्पतालों के चित्र काट रहे हैं। अल्लाह ने अगर छोटी मोटी परेशानी दे दी है, कोई बीमारी दे दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह मेरा शुक्र है, तुम्हें कम से कम उससे बचो। तो हर सूरत में आपने जो है कनावत पसंद होना चाहिए। जब कनावत पसंद की होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर जो है आपको उस मुश्किल से, उस बीमारी से, उस परेशानी से निकालेगा। इसी तरह से आदमी को चाहिए कि तारीख और अल्लाह ने अगर हमें कुछ तारीख बारी दी है तो हम उसको गुणों में नाम मिला के अंदर खर्च करें, अच्छी अच्छी किताबों के पढ़ने में, कुरान की तफसीर पढ़ने में खर्च करें, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ने में खर्च करें, बड़े बड़े जो हमारे असनाब बोल रहे हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करने में खर्च करें। हम यूं ही डाइजेस्ट उल्टी पलटी डाइजेस्ट पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में जो है, सियासी नॉवेल्स पढ़ने में, इधर उधर के किस्से कहानियां पढ़ने में, इश्क आशिक की और मोहब्बत की कहानियां पढ़ने में, इधर उधर के जो है अफसानों के पढ़ने में हम अपने वक्त को सर न करें। और आज के वक्त में तो बड़ी आफत एक तरह से नियामत भी है कि अशबाब संयोज किया जाए, लेकिन बेशतर लोग जो उनका मिसयूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के, उस पर इतना वक्त हमारा जाये हो रहा है, इतना वक्त जाये हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। लिहाजा अपने वक्त की कदर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामीम के मुताबिक वक्त इंसान के पास अल्लाह का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नियमतानि वल्फ़ल फीहिमा कसीरुन मिन अन्नास अस्सिहतु वल्फ़लाह। दो नियमतें अल्लाह की ऐसी हैं, लोगों की बेशतर तादाद, लोगों की अक्सरियत उनके ताल्लुक से जो है खसारे में पड़ी हुई है। कौन कौन सी चीज? सेहत और तरह, सेहत और तरह, सेहत अल्लाह ने दी है उसका मिस यूज करते हैं लोग, नशे में आ जाते हैं जवानी के नशे में, उसका गलत यूज करते हैं जबकि उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। फराकत अल्लाह ने दी है, मशगूलियत नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बारों के अंदर, डांस क्लबों के अंदर और इधर उधर के जो है महंगों के अंदर जाकर के उस वक्त का इस्तेमाल, उस वक्त का जिया करते हैं और मुख्तलिफ तरह की जो है इस तरह की गलत चीजें पड़ जाते हैं। खुदा की कसम, आप अगर अपने वक्त का, अपने उस फारिग़ वक़्त का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, समझोगे मुझे ये वक्त है इसको काटना तो है, तो आप इस तरह की कुछ फिल्में देखने में, क्रिकेट देखने में, गेम्स खेलने में और इधर उधर के जो चीजों का पैसा खर्च करोगे तो बाद में चल करके आपको जरूर आपका दिल एक वक्त में जागेगा, एहसास करेगा कुछ महरूमी का, कुछ झुंझाने का, अपने आप को ठगा होने का। लेकिन उस वक्त के अंदर अगर आपने कुरान की तिलावत की होगी, सीरत रसूल का कब पढ़ा होगा, अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों का मुताला होगा, तो आपका दिल फरहत महसूस करेगा, शादमानी महसूस करेगा, सच्ची खुशी हासिल होगी कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ बड़ी बड़ी शख्सियतों को पढ़ करके अपने जो है इस वक्त का सही इस्तेमाल करके मैंने इससे कुछ कमाया है, तो आपके दिल को सच्ची खुशी हासिल होगी। लिहाजा हमको और आपको चाहिए अगर वाकईतन अपनी जिंदगी के अंदर कार चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो वक्त तो यूं ही जाया न करें। अल्लाह ने आज वक्त दिया है, बहुत मशहूर इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु का वसा है कि पांच चीजों को पांच से पहले गनीमत समझो, उसमें से ये दो चीजें भी, अस्सेहत कबल सब, बीमारी से पहले जो है सेहत को गनीमत समझो, इससे फायदा उठा लो, और इसी तरीके से अल फरा कबल शुक्र के फारों को पालों को मशगूलियत से पहले पता नहीं कौन सा चल करके आपके पास उतना वक्त रहे या ना रहे, पता नहीं कौन सा काम आपके जीवन आ जाए कि आपको कोई वक्त ना मिले, तो उसका उससे फायदा उठाओ। गनीमत लफ्ज इस्तेमाल किया इस हदीस के अंदर, गनीमत का मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने जो मजबूत होते थे मुशरिकीन से, कुफार से, जो उनको पछाड़ देने के बाद जो माल बचता था, उस माल को लोग जो है अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौजी उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे, वो तो जल्दी जल्दी समेटते थे, तो अल्लाह के रसूल इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि गनीमत समझो, यानी जिस तरह से उस माल को लोग जो है बिल्कुल सिकंदों मिनटों के अंदर जल्दी जल्दी समेट लेते हैं, उसी तरीके से जो है ये पांच चीजें जो है इनसे फायदा उठा लो, इनसे इनसे जितना मुमकिन हो सके जल्दी जल्दी जो है फायदा उठा लो, ये इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये असर है। इसी तरह से एक और अहम उजूर है कि मुसलमानों की परेशानियों में काम आना, अपने भाइयों की परेशानियों में काम आना, अपने रिश्तेदारों की परेशानियों में काम आना, अपने पड़ोसियों की जो परेशानियों में काम आना, बल्कि मतलब तौर पर अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, इंसानियत के काम करना, खिदमत खल्क के काम करना, चैरिटी के काम करना। आज दूसरों में ये काम लेंगे, क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा जो दुनिया में फैल रही है, पड़ रही है, इसलिए कि उन्होंने खिदमत खल्क के विवाह के काम को पहले निकाल दिया है, आपसे भी आपके दीन ने वादा किया है,
ये काम तो हमारा था, ये काम तो हमारा था, आज हमें अल्लाह ने खुशहाली दी है, समझ रहे हैं कि बस अपने लिए जीना नहीं, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, जिंदगी में इसी तरीके से गुजर जाएगी। बड़ी बात तो ये है कि आप दूसरों के काम कैसे आ जाए, दूसरों की जिंदगी कैसे संभाल है। आज के वक्त में जैसे कि मैंने कई बार इस बात को कहा है, मुसलमानों के लिए इस जबान से निकलने का अगर कोई फार्मूला है तो वो तीन असूल है, तीन चीजें, एक तो एजुकेशन पर ध्यान देना, एक खिदमत अल्लाह के अंदर आना, और तीसरी चीज जो चीज है वो अल्लाह के रसूल ने इस दीन को हर कसम मानस तक पहुंचाना। ये तीन चीजों पर अगर हम कायम हो जाए तो खुदा की कसम हमारा छिना हुआ सरमाया, हमारा वो माजी तावड़ा मालिक दोबारा फिर आ सकता है। और अगर इन चीजों के अंदर हम मसूस करें दिलों को जो है बुजदरी का तरबोर पाएगा, या किसी तरीके से जो है हमने कुफ्र का जो है माहौल बनाए रखा कि खर्च ना हो जाए, माइनस हो जाए समाज, वहां के अंदर इतनी कमी आ जाएगी, तो फिर ऐसे ग्रुप हम ये करते रह जाएंगे। और इज्तिमाई तौर पर अगर ये काम चाहे कोई काम मुश्किल होता है, बड़े बड़े इदारे बनाने चाहिए हम, बड़े बड़े अपने इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जो है, क्योंकि एजुकेशन जो अपने आप में सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी जो है किसी कौम की जो ताकत है। लिहाजा हम तो आपको इन चीजों की तरफ हमारे दीन में उभारा है, बताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कड़ी समाप्त फरमा है कि मुसलमानों की परेशानियों को अगर हम दूर करेंगे तो हमारी जिंदगी खुशहाल कैसे होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अन तुस्तजाब दुआहु, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हो, वह अन तुक्शफ अन्हु कुर्बुहु, और जो शख्स ये चाहता है कि उसकी मुश्किलें छट जाए, उसकी मुश्किलें दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो तंग दस्त से उसकी तंग दस्ती को दूर करे, किसी भी परेशान हाल से उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करे। हर आदमी की अपनी इस्तेदाद है, हर आदमी की अपनी कोशिश है, एक कानून जानने वाले को चाहिए जो यूं ही नहीं इधर उधर के बाजार जो है चीजों का फंसा दिया गया है उसकी कानून के जरिए मदद करे, एक जो है टीचर को चाहिए, उस्ताद को चाहिए जो गांव के बच्चों को बिल्कुल जो है वक्त के तकाजे को समझते हुए उनको मुखलिस होकर के जो है उनको आगे बढ़ाए एजुकेशन में, जो तालीम के अंदर। इसी तरीके से हर शख्स के जो है समाज के हर शख्स का जो अपना अपना रोल होना चाहिए, जो जिस फील्ड के अंदर जिस मैदान के अंदर माहिर है उसे अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर ये चीजें हम करेंगे और कौन को मसाइल से निकालेंगे, परेशानियों से निकालेंगे, तो उनकी परेशानियों के बचने से पहले हमारी परेशानियों को हम जरा पॉजिटिव सोचे, मुस्बत सोचे, और हमेशा इस बात पर यकीन रखें कि खर्च करने से माल बढ़ता नहीं है, माल बढ़ता है, सरकार से माल कम नहीं होता बल्कि माल के अंदर इजाफा होता है। बेशुमार जो है मजाइब सरकार के हवाले से आए हुए हैं, लिहाजा हमको आपको चाहिए ये जो उसूल मैंने आपके सामने बयान किए हैं, ये वो उसूल है जो कुरान और सुन्नत ने खुशहाल जिंदगी के लिए बताए हैं, जो हर शख्स का जो है टारगेट है, हर शख्स का जो है हदफ है कि किस तरह से हमारी जिंदगी खुशहाल बन जाए, करार हमारी जिंदगी का करार है, सुकून आ जाए, तो वो हमें हासिल होगा हमारी सोच के हिसाब से नहीं, हमारे अपने हिसाब से चलने में नहीं, बल्कि इन कुरान और सुन्नत के बताए हुए उसूलों पर चलने की सूरत में। अल्लाह तआला से दुआ है बारी तआला हम सभी को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाहु आलमीन जो भी मुश्किलात है, जो भी परेशानी है, इलाहु आलमीन हमारी परेशानी को दूर करना, इलाहु आलमीन हमें सादत बनने के लिए खुशहाल जिंदगी अदा करना, इलाहु आलमीन हमारी मुश्किलात को दूर करना। हमें वाहु दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारकल्लाहु लना व लकुम कुरान करीम व अता अलैया व जिक्र हिक्मत सल्लल्लाहु अलैहि